नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बावजूद बिहार की राजनीति में अभी भी उथल पुथल मची हुई है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में फिलहाल स्थिरता नहीं है। एक तरफ अगर हम बात करें लोजपा चीफ चिराग पासवान की, तो उन्हें लगातार झटके पे झटका लग रहा है। इससे पहले 5 दर्जन से ज्यादा नेता जेडीयू का दामन थाम चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि लोजपा चीफ चिराग पासवान के तमाम नेता और कार्यकर्ता आज पश्चिम चंपारण में भाजपा का दामन थाम लेंगे, यानी कि एक और झटका ये चिराग पासवान के लिए। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा को मिली करारी हार के बाद से ही पार्टी को एक और झटका लग रहा है। कुछ दिन पहले जहां पार्टी से जुड़े अहम लोगों ने जेडीयू में शामिल होकर चिराग पासवान को झटका दिया था, वहीं पश्चिम चंपारण में भी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। यहां पार्टी के 200 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज भाजपा का दामन थामेंगे। शहर के एक विवाह भवन में मिलन समारोह होने जा रहा है, जिसमें पार्टी के एक हिस्से का विलय होगा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल लोजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। इससे पहले विधानसभा चुनाव के पहले भी टिकट बंटवारे को लेकर जिले के 30 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिससे पार्टी के प्रदेश महासचिव सह सीतामढ़ी प्रभारी विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा के साथ प्रदेश दलित सेना के महासचिव रामेश्वर हजार शामिल थे। आज होने वाले मिलन समारोह में 5 प्रखंडों के अध्यक्ष के अलावा 150 से अधिक पंचायत अध्यक्ष पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होंगे। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम नंदन चौरसिया, पूर्व उपाध्यक्ष राधेश्याम राय सहित लगभग 200 कार्यकर्ता लोजपा से त्यागपत्र देते हुए भाजपा का दामन थामेंगे। पूर्व प्रदेश महासचिव विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि चिराग पासवान कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं और पार्टी में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पार्टी कुछ लोगों के हाथ में बंधक हो गई है, इसलिए इस पार्टी में अब जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जगह ही नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी में अपनी आस्था जताते हुए कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और हम भी उस विकास के भागी बनना चाहते हैं। तो चिराग पासवान के लिए एक बार फिर से बुरी खबर है, यानी कि एक बार और उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि लोजपा चीफ चिराग पासवान की पार्टी से कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आज पश्चिम चंपारण में भाजपा का दामन थाम लेंगे। उनका कहना है कि पार्टी से लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चलती है, धोखाबाजी चलती है और ऐसे में हम पीएम मोदी का दामन थामेंगे, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।